बारिश के मौसम में गर्म गर्म जलेबी का आनंद। जय सुमन। कितना? हेलो गुड़िया, आने दो सर, आने दो पीछे, अभी जगह है। आने दो, जगह है खूब। अब हम यहाँ से रिटर्न जा रहे हैं, आने दो। ए, मुझे दिख रहा है बस। ओके, सनरूफ गाड़ी और इधर हमारी। नाम जो है सही नहीं लिखा हुआ है, कटा फटा है, बोर्ड सही नहीं बनाया हुआ। सांवलिया जी का वो वीडियो वायरल हुआ था, तो इस प्रकार से इसको भी बोर्ड को सही करवाने की ज़रूरत है। यहाँ इधर हमारे जो टीम है वो चाय के लिए पहुँची है, हम भी चाय लेते हैं। बारिश चल ही रही है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। बस ये बोर्ड जो है वो देख करके बहुत बुरा लग रहा है कि बोर्ड जो है वो आधा अधूरा नाम है और बहुत ही अशुभ है। चाय आ चुकी है, कड़क चाय। इधर हमारे स्टाफ भी दे रहे हैं चाय। बस 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से इटाणा माता। रास्ता काफी सुंदर, और गाड़ी वाला रास्ता है और काफ़ी मनोरम दृश्य बन चुका है और बारिश भी बड़ी आनंददायक। ये इधर से रास्ता बताओ। रिमझिम रिमझिम हो रही है। हाँ, व्यू देखिए, प्रकृति का शानदार अद्भुत नज़ारा। हमको इधर ही जाना है, एक रास्ता इधर से जयपाल सिंह का घोड़ा भी जा रहा है मुंडा। वन वे हो चुका है यहाँ पे, एक साइड ही डामर चल गया रहा है। बड़ी बड़ी गिटी डाल दी, छोटी गिटी डालने ले रही है, उड़ गई वो है जी। बड़ी गिटी में बारिश होती रही, दो चार दिन है जो खा जाएगी। मुझे लग रहा है आते समय मुझे ऊपर जो है ऊपर बैठना पड़ेगा, इस वातावरण का जो है बहुत शानदार लुत्फ उठाने के लिए ऊपर बैठेंगे। हम पहले आए थे जब यहाँ पर, अच्छा नहीं था, पहाड़ नहीं थे, पहाड़ भी थे पहले, पहाड़ थे अब नहीं है क्योंकि काट दिए, लेकिन यूं नहीं है ये काट दिए, पर कोई यूं नहीं कह सकता। होटल है सर, एसी रूम, हाँ एसी रूम वाली होटल भी है, ये बाहर ही संचालित करते हैं जो अभी निकले हैं। गाड़ियाँ सब एक ही जैसी चल रही हैं, पहुँच चुके हैं। अच्छा, तो ये तो कभी कभार अचानक होता है, कोरोना 5-7 महीने में होता है। कोरोना 2 साल आगे और देरी, अभी थोड़े टाइम पहले अग्निस्नान हुआ था, मुझे किसी ने लाइव कॉल किया था, लाइव दिखाया था अग्निस्नान, पर मैं क्या लाइव को तो कैसे शूट करूँ, उन्होंने कहा शूट कर सकते हैं, वही कैसे शूट, मैं कहाँ था, यहाँ हो रहा था लाइव का कुछ, सिर्फ देखा था, मज़ा आ जाता, बहुत बढ़िया देखा, पर वो अचानक होता है। अच्छा, क्या सर ये धोलागढ़ क्या है, धोलागढ़ का दे रखा है, भूलने जाना धोलागढ़ आना, कुछ है क्या वहाँ? सर पहुंच चुके हैं यहाँ पर अमृतसर। अरे ऐसे मत करो, अब जो उचित लगे लेना हो तो आगे ले लो, आगे थोड़ा ज़्यादा लगा रहे हैं ऐसे यहाँ पे, चलो आगे भी देखेंगे प्रसाद। ये मंदिर किराना माता श्री शक्ति पीठ। गुड़िया इधर देखो, इधर देखो, हाय हाय करो, हाय करो, नहीं करेगी, बोलती नहीं है क्या, बोल
इतनी नहीं, ऐसे करो ऐसे हाथ इधर 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 लगाओ, टोपी लगा दीजिए। ये बात, जय हिंद, जय हिंद कर दो। ये बात, ये बोलती नहीं है, कोई नहीं, माता जी जरूर इसको बुलाएंगे। जय माता दी, उसको बोली जरूर देना। ये हमारी टीम देख लीजिए, सब देख रहे हैं चेहरे आगे से लो नहीं। और इधर ये जूस वाले, हेलो जैन। अरे जैन के ये क्या है, बताए पागल कोई, भाई स्कूल गया कि नहीं गया कभी बारिश की वजह से। हेलो गुड डे, इधर देखिए, ये देखिए बारिश की वजह से सुरक्षा जरूरी। यहाँ पर कोई नहीं ले जाएंगे। क्या कह रहा है, हेलो जय माता दी। ग्रेनेड का पार्ट है, इन्होंने शोध किया ये जो आग लगती है उसका कारण है या तो यहाँ पे अगरबत्ती लगाते हैं जो या फिर कुछ, लेकिन वो चेक करते रहे वो अचानक से आग प्रज्वलित हो गई। तो ये चमत्कार है वो। ये हम पहुँच चुके हैं यहाँ, हाँ सर देखें इधर दिखा दीजिए प्रसाद, विशेष जो प्रसाद है वो भी दिखाते हैं हम आपको। जो है वो सूचित कर रहे हैं कि मोबाइल से भगवान माता जी का जो है वो नहीं दिखानी है सभी। जय हिंद भारत माता की। चुनरियाँ जो जलती है अचानक से, वो जो ऊपर के हिस्से में दिख रही है वो चुनरियाँ हैं जो अचानक से प्रज्वलित होती है, और वो और कुछ नुकसान नहीं होता है, सिर्फ वो चुनरियाँ जो रखते हैं देवी के लिए आई हुई है वो जल जाती है, और कोई नुकसान नहीं होता है। और ये चमत्कार ही है, और कुछ भी नुकसान नहीं होता, अचानक से प्रज्वलित होती, कब होती है किसी को पता नहीं, ये होना है जब वो हो जाएगी और जो है सारी चुनरियाँ जल जाएगी वापस, उसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कहाँ से आ सकते। जय माता दी, बहुत ही पवित्र स्थल कीटाणा माता का। जय हिंद जय भारत। इधर जो है मंदिर का काम चल रहा है, पुरानी डिज़ाइन से यहाँ पर है, और जो भी खंभे हैं इनकी डिज़ाइन वही दी हुई है जैसे सांवलिया जी जो है वो पत्थर भी यही जोधपुरी है। देखिए काम चल रहा है, और उधर हमारे जो टीम है उधर खड़ी है। ये है मनोकामना पूर्ण होने वाली मातेश्वरी, तो मुझे जल्दी से जल्दी YouTube का स्टार बना लो, बस यही कामना है हमारी। और तो हमारे चैनल को अच्छे से सभी का रिस्पॉन्स मिले, हमारे सभी स्टाफ की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी की पूर्ण करने के बाद हमारी भी थोड़ी सी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी। यो बुढ़िया आप, अरे परिचय तो बताओ अपना, कहाँ से आई हो, नाम बता। पढ़ने जाते हो स्कूल, तो फिर डरते किस बात से हो, बताना चाहिए अपना परिचय, कहाँ से आए हो। अच्छा राजसमान, कौन सी क्लास में पढ़ती हो, ये कहाँ पे आई हो, कौन सी जगह ये, कीटाणा माता जी। हाँ इनको बताना पड़ रहा है यार, आप तो बता ही नहीं हो। चलो जय हिंद भारत माता की। जय 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 हिंद। बकरा काटने के लिए लाए हैं ये वहाँ। क्या ले रहे हैं सर, क्या ले रहे हैं सर, जो है भाभी जी के लिए कुछ खरीद रहे हैं।
भाभी जी के लिए कुछ खरीद लो ना सर, BMW प्रतिरूप या फिर हमारे सिमू के लिए लो सर। वो सिमू, अच्छा भाई उसी के लिए करे, लो 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 तब तो लो यार। सिमू की चीज मन में नहीं रखनी, काफी बड़ा बड़ा जो है वो दिख रहा है। यहाँ से हमने चश्मा गुगल जो ले लिया है, बहुत दर्द कर रहा था सिर, अब देखिए कैसे, और साथ में भी लिया हमने भी लिया, कैसा लग रहा है बताए जी। अच्छे दो घंटे बैठना, आधा किलो था उसी रोड पे, नीचे काम चल रहा था उस समय ओवर रोड का। अगला पिकनिक पॉइंट है हमारा क्या, गातोड़ जी। जय समान, जय समान और गातोड़ जी, बने रहिए हमारे साथ, ले जाते हैं आपको जय समान। नीचे उतर उतार के रखो ना, बस जय समान का रास्ता ही है। जय समान कितना दूर है, 25 किलोमीटर जय समान। कौन ही कह रहे हो टापू दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे टापू है सही यार, पानी तो आ रहा है, पानी है जो आएगा ना थोड़ा बहुत है जो डाले दो, खोलो खोलो और खोलो गिल्ले हो रहे ना। ये नदी है, और आप देख सकते हैं आप सिर्फ 14 की रेस पे गाड़ी चला रहे हैं, जो मत अभी थोड़ी बता दो, 13-14 पे चल रहे हैं, काफी सहनशील सर है। थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है थोड़ा, तो एक जलेबी नाश्ता हुआ वगैरह शुरू कर रहे हैं, और थोड़ा सा जलेबी खा करके फिर आगे प्रस्थान करते हैं सर। सब अभी जो है जलेबी अच्छी कर, जलेबी मंगा मजा आएगी भाई, तो शानदार खाने की चीज आज बड़ी बढ़िया मिली, कोई गलत नहीं मिली। ऊपर की मंजिल जलेबी ले, जलेबी का आनंद लेते हुए करावली से राइट देना, करावली हाँ करावली घरावली। बारिश के मौसम में गर्म गर्म जलेबी का आनंद, और देखिए काफ़ी अच्छा एंजॉय के साथ विकास जी खाते हुए इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि अभी जलेबी में रस जो है ना वो टपक रहा है, मेन फोकस मेन फोकस हमारा अभी जलेबी पे। बाद में बस 5 किलोमीटर बचा है सलुम्बर, हड्डा रानी के नाम से थे, क्योंकि उन्होंने जो है अपना सिर काट करके जो है युद्ध भूमि पर अपने पति देव को भेजा था निशानी के तौर पर, तो उसके लिए फेमस है पूरे हिंदुस्तान में हड्डा रानी, शीश काटने वाली महारानी। अभी पहुँचते हैं वहाँ पे, उनका महलों का भी जिक्र या व्यूज दिखाएंगे। तो उसके पिता का नाम शो होता है इस हिस्ट्री में, जगंदर सेन की जो भी उसको बड़ी करता है उसका तो नाम रहेगा। सीता किसकी बेटी थी, सीता माता किसकी बेटी थी, नहल के नोक से निकली थी, पर उसको कहते हैं किसकी, राजा जनक की पुत्री। लवकुशी ऐसी हुई, लवकुशी हुई महर्षि के, नहीं नहीं है तो जन्म है वैसे, कह रहा है नहीं एक घूम गए थे ना, देख लेना एक बार उसको, सीधे ही है, सीधे ही बोला कर तो अब चलना पड़े, जो पंडित जी है कब से कह रहे हैं फ्लेक्स पे, देख लिया उस समय बुलाया था कि डोलागढ़ आना भूल न जाना, ये क्या यहाँ फिर टोल टैक्स आया, देखिए हल्का फुल्का, देखिए हल्का फुल्का है कहीं कुछ है, यूं दुकान लगा रही लगा रही है, आगे टैक्स वसूली हो गया, अगर उन्होंने मना कर दिया तो बोला बेटा देख जाना तो बात करेंगे, देखिए हम आ चुके हैं सलुम्बर, सलुम्बर ठिकाना नया जिला, देखें कोई ना एक देखने दो, एक थोड़ी बहुत चूरे थे हमारे, हाँ चूरा चूरी बहुत देखने दो किलो वाले कौन चूरा बढ़िया है।
चूरे रही जा सब काफी अच्छा जिला सलुम्बर थाईलैंड के लिए। यहाँ पर अभी कलेक्टर वगैरह बन गए। हाँ जिला कलेक्टर भी आ गया। सर पत्रिका में छपा था ना, सर पत्रिका में फोटो आया था 172 घंटे रेगुलर लाइब्रेरी को समय देकर के लाइब्रेरी को व्यवस्थित करवाया 172 घंटे है चश्मे वाले। और